कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के दिशा निर्देश अनुसार जिला प्रशासन की टीम द्वारा पूरे शहर में छापामार कार्रवाई। स्कूलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में दुकानों पर तंबाकू उत्पाद का विक्रय, मदिरा दुकानों और मेडिकल पर टीम ने की जांच। मदिरा दुकानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा काम न किया जाए, सीसीटीवी लगे हैं इसकी जांच। मेडिकल स्टोर पर शेड्यूल ड्रग की बिक्री और बिना चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के दवा न दी जाए, नियमानुसार सभी जानकारी संधारित की गई है इसकी जांच की और निर्देश भी दिए गए हैं। स्कूलों के आसपास तंबाकू और बीड़ी सिगरेट तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रही दुकानों पर टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी की है। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट के लिए एक्ट 2003 के तहत शैक्षणिक संस्थाओं से 300 फुट की दूरी 300 फीट के अंदर ये प्रोडक्टों का विक्रय और उनका उपयोग करना प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत अधिकतम 200 रुपये जुर्माना होता है और ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो जब्त किए जाते हैं, जब्त करके इनको विनष्ट किया जाता है। तो आज माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में और हमारे जिले के 6 अधिकारियों के नेतृत्व में 6 टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने पूरे शहर में कार्रवाई की है और लगभग 22 कितने हैं 22 ऐसी दुकानें पाई गई जो शैक्षणिक संस्थाओं के 300 फीट के अंदर में थी। उन पर चालानी कार्रवाई की गई, 3100 रुपये अर्थदंड लगाया गया है और लगभग 50,000 रुपये मूल्य की सामग्री सिगरेट तंबाकू गुटखा इत्यादि जब्त की गई जिसका विषय है। इसके साथ ही साथ पैरेलल 2 कार्रवाइयाँ और की गई हैं, जिसमें जो शासन के निर्देश हैं कि प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए, तो उनकी भी जांच की गई। तो ऐसे मेडिकल स्टोर भी मिले हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे नहीं पाए, तो उनको नोटिस देते और जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। इसी तरह से जो बाइंग शॉप हैं उन पर भी सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश हैं, उनकी भी जांच की गई। तो कुछ दुकानों में कैमरे लगे थे लेकिन चालू नहीं थे, कुछ में लगे हुए थे लेकिन डिस्प्ले वहां पर नहीं हो रहा था, वो कहीं सेंट्रलाइज डिस्प्ले हटा रहे थे जबकि दुकान में ही डिस्प्ले भी मौजूद होना चाहिए। और उन वाइन शॉप पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ना तो मदिरा खरीद सकते हैं और ना ही वो वहाँ विक्रय कर सकते हैं, तो उसकी भी जांच की गई लेकिन किसी दुकान पर ऐसा कोई प्रकरण नहीं पाया गया। तो आज ये सब कार्रवाई जो है की गई माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में अभियान के तौर पर की गई है और नियमित रूप से ये कार्रवाई बीच बीच में की जा रही है। थैंक यू।